बच्चों आज हम कक्षा दसवीं और हिंदी में व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण में भी क्या पढ़ेंगे, समास। इसके पहले क्लास में हमने संधि पढ़ा था, आपको एक बार याद दिला दें। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इनकी परिभाषाएं, उदाहरण और प्रकार पढ़े थे स्वर संधि के। आज हम पढ़ते हैं समास। आज हम पढ़ेंगे समास और उसके प्रकार कौन कौन से हैं, जिसमें समास की परिभाषा, उदाहरण और समास के प्रकार। सबसे पहले हम देखेंगे समास की परिभाषा क्या है। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, छोटा रूप। संक्षिप्त मतलब उसको छोटा करना। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया एवं सार्थक शब्द की रचना करते हैं तो यह शब्द समास कहलाता है। फिर से सुनिए कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द या एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो जो ये नया शब्द जो बनता है वह क्या कहलाता है, वह समास कहलाता है। अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जा सके वही समास होता है। इसको हम इसकी परिभाषा को इस तरह भी लिख सकते हैं कि जब कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जा सके वही समास कहलाता है। अब समास के उदाहरण हैं, कमल के समान चरण, चरण कमल। और जैसे रसोई घर के लिए रसोई, रसोई घर का क्या होता है, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर जहाँ पर, रसोई मतलब जहाँ पर खाना पकाया जाता है। घुड़सवार घोड़े पर सवार, देशभक्त देश का भक्त, और राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। हमने क्या पढ़ा अभी परिभाषा में कि संक्षिप्तीकरण या उसका छोटा रूप या कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक। संक्षिप्त रूप हो गया रसोई घर के लिए, रसोई के लिए घर को हमने छोटा कर दिया रसोई घर। राजा के पुत्र को हमने संक्षिप्त कर दिया राजपुत्र। अब हम आगे देखते हैं कि सामासिक शब्द या समस्त पद क्या होते हैं, कि जो शब्द समास के नियमों से बनता है वह सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। कि जिस शब्द की रचना समास के नियमों के अनुसार होती है वह शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। और उदाहरण में आप देखेंगे कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। तो जो शब्द बनते हैं इसके पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और इसके दूसरे या अंतिम पद को उत्तर पद कहते हैं। जो पहला शब्द होता है वह पूर्व पद कहलाता है और जो आखिरी पद होता है उसको उत्तर पद कहते हैं। अब है समास के प्रकार। तो समास छह प्रकार के होते हैं। समास छह प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवा है बहुव्रीहि समास। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या है और उसके उदाहरण क्या। तो वह समास जिसका पहला पद
अव्यय बन जाए उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। और अव्यय भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। और इसका जो नियम है कि जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से कोई प्रभाव ना हो और जो अपरिवर्तित रहे वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, घर, हर आदि आते हैं। उदाहरण में देखते हैं, जैसे आजन्म, आजन्म, तो आजन्म मतलब जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। इसमें क्या है, पहले पद में अनु या आ आ रहा है तो आप आजन्म को करेंगे तो पहला पद क्या हो जाएगा, इसमें इसमें पहला पद हो जाएगा आ और दूसरा या उत्तर पद हो जाएगा जन्म। तो ये दो शब्दों से मिलकर बन गया है आपका आजन्म, इसमें पहला पद आ जाएगा आ और उत्तर पद आ जाएगा जन्म। और आपकी परिभाषा में क्या लिखा है कि जो प्रथम पद है या पूर्व पद है इसको प्रथम पद भी बोलते हैं, यह प्रधान होता है। अब है तत्पुरुष समास, ये समास का दूसरा प्रकार है जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो वह क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे आ गया आपका धर्म, ग्रंथ, तो धर्म ग्रंथ क्या है, धर्म का ग्रंथ। फिर है राजा का कुमार या राजकुमार। अब तत्पुरुष समास के भी प्रकार होते हैं, ये भी छह प्रकार होते हैं तत्पुरुष समास के। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में को लोप से यह समास बनता है, जैसे ग्रंथकार ग्रंथ को लिखने वाला। इसमें क्या है, इसमें को शब्द का लोप हो जाता है तब यह कर्म तत्पुरुष समास बनता है। जैसे उदाहरण है, ग्रंथ को लिखने वाला। कौन हो गया ग्रंथ को लिखने वाला, ग्रंथकार। तो यहाँ को का क्या होता है, लोप हो जाता है। फिर इसका तत्पुरुष का दूसरा प्रकार है करण तत्पुरुष समास। से और के द्वारा के लोप से यह समास बनता है, जैसे वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि के द्वारा रचित। फिर है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें के लिए लोप हो जाता है और यह समास बनता है, जैसे सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह बराबर सत्याग्रह, इसमें के का लोप हो जाता है। फिर है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में से का लोप हो जाने से यह समास बनता है, जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट होना, पथ भ्रष्ट भ्रष्ट कहलाता है, इसमें ये से का लोप हो गया, मतलब इधर से ये गायब हो गया। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। इस समास में का और के की
इसमें है का और के आदि का लोप होने से यह समास बनता है, जैसे राजकुमार या राजा की सभा, जैसे राजसभा या राजा की सभा। फिर है छठवां अधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास में मैं और पर का लोप होने से यह समास बनता है। अधिकरण तत्पुरुष समास में मैं और पर का लोप होने से, मैं और पर का लोप होने से अधिकरण तत्पुरुष समास बनता है। जैसे जल में समाधि, क्या बन गया इसका, जल समाधि। यहाँ पर मैं का लोप हो गया। अब है तीसरा कर्मधारय समास। तो वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, अथवा एक पद उपमान एवं दूसरा उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आपने क्रिया विशेषण पढ़ा होगा, आपको विशेषण पता है क्या होता है। तो जिसका पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। कर्मधारय समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में जो है या के समान आते हैं, जैसे महान है जो देव, विशेषण मतलब होता है किसी चीज की विशेषता बताने वाले। तो महान है महादेव, महान है जो देव, क्या हो गया महादेव, देव कैसे हैं महान। दूसरा उदाहरण है दुरात्मा, दुरात्मा मतलब बुरी है जो आत्मा, आत्मा तो है पर कैसी है, बुरी है, खराब है। तो इसमें जो पहला पद क्या है, ये है दू, दुरात्मा में पहला पद क्या है आपका, विशेषण, और दूसरा क्या है आत्मा, ये जो है विशेषता, आत्मा की विशेषता बता रहा है कि वह कैसी है, अच्छी है या बुरी है। फिर है कर कमल, कमल के समान कर, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख आदि। आप मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है। तो कर्मधारय समास के ये उदाहरण हैं। फिर है चौथा द्विगु समास। वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है और समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराए, उसे द्विगु पद कहते हैं। और इस पद, इस समास की और सरल परिभाषा अपन लिख सकते हैं बच्चों, कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वहां पर द्विगु समास होता है। आपको जैसे उदाहरण में दिख रहे हैं, दो पहर मतलब दो पहरों का समूह। ये दो क्या हो गई, संख्यावाचक, ये दो हो गया पहला या पूर्व पद, ये क्या हो गई, संख्यावाचक हो गई। दो पहरों का समूह या समाहार। जिस उदाहरण में आप देखेंगे कि पर द्विगु समास होता है, जैसे पंचतंत्र, पंच मतलब क्या होता है, पांच।
तो पांच तंत्रों का समूह पंचतंत्र। सप्ताह मालूम है, सप्ताह में सात दिन होते हैं, तो सात दिनों का समूह सप्ताह ये होते हैं द्विगु समास, जिसमें पहला या पूर्व पद क्या होता है, संख्या वाचक होता है। अब है पांचवा द्वंद समास। अभी हमने द्विगु समास देखा कि पूर्व पद संख्या वाचक होता है, बहुत सरल है दोनों, द्वंद और द्विगु समास। द्विगु समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, चाहे वह पूर्व पद हो या उत्तर पद हो, दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो एवं दोनों पद मिलाते समय और अथवा या एवं आदि योजक चिन्ह शब्द लिप्त हो जाते हैं, वह समास द्वंद समास कहलाता है। जो योजक शब्द है और या अथवा और अन्य क्या होते हैं, लोप हो जाता है इनका या लुप्त हो जाते हैं, वह समास द्वंद समास कहलाता है। उदाहरण देखेंगे, अन्न जल, ये क्या है, दोनों प्रधान है, अन्न भी प्रधान है, मुख्य है और जल भी, क्योंकि इन दोनों के बिना आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। आपके जीवन के लिए ये दोनों ही आवश्यक है। आप ये नहीं बोल सकते कि अन्न ज्यादा महत्वपूर्ण है या जल ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्या है, ये दोनों पद प्रधान है, दोनों पद मुख्य है, तो अन्य और जल। यहाँ पे और शब्द क्या हो गया, लोप हो गया या लुप्त हो गया, और क्या बन गया नया शब्द, अन्न और जल। फिर है राजा और रंग, तो क्या आ जाएगा, राजा रंग। अब है छठवां समास बहुव्रीही समास। तो जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं हो और दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, बहुव्रीही समास कहलाता है। तीन समास बहुत सरल है, आप पहले द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, द्वंद समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीही समास में दोनों कोई भी पद, उत्तम पद या पूर्व पद, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान नहीं होते और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे नए शब्द की ओर संकेत करते हैं, बहुव्रीही समास कहलाता है। तो जिस समास में समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुव्रीही समास कहलाता है। उदाहरण गजानन, उदाहरण है गजानन। गजानन को आप अगर विग्रह करेंगे, तोड़ेंगे, तो इससे क्या बनेगा, गज से आनंद वाला, गज से आनंद वाला। अब आप बताइए गजानन किसको बोलते हैं, गजानन श्री गणेश को बोलते हैं। गज मतलब होता है हाथी और आनंद मतलब होता है चेहरा, तो किसका चेहरा है गजानन, जैसे श्री गणेश। फिर है इसी तरह एक और उदाहरण देखिए, दशानन, दस है आनंद जिसके, कौन है, रावण, रावण के दस है आनंद। रावण को दशानन क्यों बोला जाता, क्योंकि उसके दस मुख है। आगे उदाहरण देखिए, चतुर्भुज की जिसकी भुजाएं चार हैं, वह है चतुर्भुज। त्रिलोचन, तीन आंखों वाला मुरलीधर, जिसने क्या करी है, मुरली को धारण किया है, वह है मुरलीधर। तो बच्चों आप